नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक खूबसूरत सा जाली पैटर्न लाए हूँ, जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जेंट्स स्वेटर हो, लेडीज स्वेटर हो, बच्चों का स्वेटर हो, ये सब में अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रतिदिन एक नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और ढेर सारे डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन का पहला लाइन है। तो पहले लाइन में हम 2 फंदा सीधा बनाएंगे और फिर 4 फंदा उल्टा। इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, 2 फंदा सीधा बनाना है और फिर 4 फंदा उल्टा। इन्हीं 6 फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। 2 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली गई है। और अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। 2 फंदा जो सीधा था, अब वो 2 फंदा उल्टा हो जाएगा। तो 2 फंदा उल्टा और 4 फंदा सीधा। इन्हीं 6 फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है, 2 फंदा उल्टा और 4 फंदा सीधा। 2 फंदा उल्टा और 4 फंदा सीधा बुनते हुए सेकंड रो कंप्लीट कर ली गई है। और अब ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है और सामने से। तो पहला फंदा एज स्टिच है, उसे हम सीधा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे और फिर उनको अपनी ओर करेंगे। और फिर नेक्स्ट फंदा सीधा है तो सीधा और एक उल्टा फंदा ले लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लिया है। यहाँ पे हमने एक जाली डाली है और 2 का एक किया है, फिर बीच में 2 फंदे उल्टे हैं तो इन्हें 2 फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब उन दूसरी ओर करेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का एक कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2 का एक किया, फिर उन अपनी ओर करेंगे और एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, 2 फंदों को लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2 फंदा 2 का एक इधर किया है, 2 का एक इधर किया है, लेकिन हमारे पास हमने जाली एक ही बनाई है, यानी 4 फंदा को यहाँ ये यहाँ पे 3 फंदा हो गया है। उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा। उन दूसरी ओर करेंगे, 2 फंदा हम लेंगे, एक सीधा वाला फंदा और एक उल्टा वाला फंदा, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमने 2 का एक किया, उन अपनी ओर करेंगे और अगला एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, 2 फंदा लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमने 2 का एक किया, एक जाली बनाया, फिर 2 का एक, फिर 2 फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे, नेक्स्ट 2 फंदा है, एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, दोनों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। 2 का एक किया, उन अपनी ओर करेंगे और लास्ट फंदा है जिस स्टिच है उसे हम सीधा बना लेंगे। फोर्थ रो और बैक साइड, पहला फंदा एज स्टिच है उसे उल्टा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, जाली वाले फंदे को हम सीधा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा, ये देखिए ये सीधा वाला फंदा है ये उल्टा हो जाएगा, फिर ये 2 बीच के उल्टे फंदे वो पीछे से 2 सीधे हो जाएंगे। उन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 का एक किया था, 2 का एक किया था और इस साइड भी 2 का एक किया था, बीच में एक जाली डाली थी, यानी 4 फंदे के बीच में हमने 3 फंदा ही बनाया था।
तो एक फंदा घट गया। अब क्या करेंगे कि इस जाली को हम जब दो बार बुन देंगे तो एक फंदा बैलेंस हो जाएगा। तो एक बार उल्टा बुनेंगे इस जाली में, एक बार उल्टा बुनेंगे और फिर इसी जाली में एक बार सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा दो फंदा वापस बैलेंस हो गया और अगला फंदा उल्टा। इस साइड से देखिए, यहाँ पे हमने दो का एक किया था, एक जाली बनाया था और फिर दूसरी साइड भी दो का एक किया था और बीच में एक ही जाली थी, तो चार फंदे से तीन ही फंदा रह गया। और इसको बैलेंस करने के लिए अब इस जाले में हम दो बार, एक बार उल्टा बनाएंगे, एक बार सीधा बनाएंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब हम फिर पीछे आते हैं और दो फंदा सीधा, ये दो फंदा उल्टा बीच का था, ये दो फंदा सीधा बैक से हो जाएगा। फिर ये सीधा वाला फंदा, ये पीछे से उल्टा। अब ये जाली है तो इसको हम जब दो बार बुनेंगे, एक बार उल्टा और फिर इसी में एक बार सीधा, तो हमारा ये चार से वापस चार हो गया। नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर दो फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा उल्टा, जाली वाला फंदा इसे हम सीधा बना लेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे उल्टा बना लेंगे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा एज स्टिच है इसे सीधा बुनेंगे या फिर स्लिप कर लेंगे, एक फंदा उल्टा। अब उनको अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और दो फंदा एक सीधा लेंगे और एक उल्टा, दो फंदों को एक साथ लेते हुए दो का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए। फिर अगला दो फंदा लेंगे, एक सीधा एक उल्टा, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब उन दूसरी तरफ है और तो दो फंदा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए बीच के दो फंदे हैं, इसे हम उल्टा बना लेंगे, एक और दो, दो फंदा उल्टा बनाने के बाद उन अपनी ओर है और एक फंदा सीधा लेंगे और एक फंदा उल्टा, दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे, दो का एक कर लिया। फिर नेक्स्ट दो फंदा लेंगे, एक सीधा एक उल्टा, दोनों को एक साथ लेते हुए दो का एक कर लेंगे सीधा बनाते हुए। अब हमारा उन दूसरी तरफ है तो दूसरी तरफ रखे हुए ही हम इसको इधर ही रखे रहेंगे और दो फंदा उल्टा बनाएंगे, एक दो। फिर उनको अपनी तरफ ही रखे रहेंगे, एक सीधा फंदा लेंगे और नेक्स्ट एक उल्टा फंदा लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी ओर है यानी जाली देते हुए सीधा। फिर दो फंदों को लेंगे, एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। और फिर उन अपने दूसरी तरफ है तो दूसरी तरफ रखे हुए ही अगला फंदा उल्टा बना लेंगे, लास्ट फंदा एज स्टिच है उसे हम सीधा बना लेंगे। सिक्स्थ रो और रॉन्ग साइड, पहला फंदा एज स्टिच है उसे हम स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा और इस जाली को भी हम सीधा बना लेंगे। फिर दो फंदा उल्टा, एक दो। फिर उन दूसरी ओर करेंगे, इस जाली को हम सीधा बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर नेक्स्ट जाली है उसको भी हम सीधा बना लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा। तो फिर हमारा देखिए दो फंदा उल्टा हो जा रहा है और फिर चार फंदा सीधा, यानी हमारा दूसरा लाइन यहाँ पे फिर से आ जा रहा है। दोनों जाली जो है उसे हम सीधा बना ले रहे हैं, तो ये चार फंदा सीधा हो गया और दो फंदा उल्टा। लास्ट में दो फंदा सीधा और लास्ट फंदा है जिस स्टिच है उसे हम उल्टा बना देंगे। सेवेंथ रो में पहला फंदा सीधा, फिर दो फंदा उल्टा, फिर दो फंदा सीधा,
फिर दो चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, फिर दो फंदा सीधा, एक दो फिर चार फंदा उल्टा, फिर दो फंदा सीधा और लास्ट में तीन फंदे रहेंगे तो दो फंदा उल्टा हो जाएगा और लास्ट फंदा एज स्टिच है उसे हम सीधा बना लेंगे। तो इस तरह हमारा ये सेवन्थ रो कंप्लीट होता है। एथ रो में जहाँ सीधा दिखाई दे रहा है वहाँ सीधा और जहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है वहाँ उल्टा। पहला फंदा एज स्टिच है इसे स्लिप कर लेंगे, दो फंदा सीधा, फिर दो फंदा उल्टा, फिर चार फंदा सीधा, और दो फंदा उल्टा, चार फंदा सीधा, और दो फंदा उल्टा। लास्ट में तीन फंदा आएगा तो दो फंदा सीधा रहेगा और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम उल्टा बना लेंगे। 9th रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा। अब फिर यहाँ पे हम इन ऐसे घटाते चले जाएंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा और एक उल्टा, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब फिर ये चीज़ अब यहाँ बन रहा है तो उनको अपनी ओर करेंगे, दो फंदा हम एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, और दोनों को एक साथ लेते हुए जाली देते हुए सीधा बना लेंगे, दो का एक कर लिया। यहाँ पे हमने चार फंदे घटाए थे और एक जाली बनाया था, अब ये चीज़ यहाँ उठ के यहाँ आ जा रहा है। फिर दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदे को एक साथ लेंगे, एक सीधा वाला फंदा एक उल्टा वाला फंदा, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, फिर दो फंदा लेंगे, एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदे को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। लास्ट में दो फंदा बचेगा तो एक फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा। 10th रो और रॉन्ग साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा। अब देखिए ये जाली आ गया, यहाँ पे हमने चार का तीन किया था, अब जाले में हम दो बार बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फंदों को बैलेंस करने के लिए जाले में हम दो बार बुन रहे हैं, एक बार सीधा और एक बार उल्टा। फिर उन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा। अब देखिए ये जाली आ गया, तो इसमें हमने यहाँ पे चार का तीन किया था इसलिए यहाँ पे दो फंदे बनाएंगे ताकि फंदे बैलेंस हो जाएं, एक बार उल्टा बुनेंगे और एक बार सीधा बुनेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा और दो फंदा सीधा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे, एक फंदा उल्टा और ये जाली है तो इसमें हमको दो बार बुनना है, एक बार उल्टा बुनना है और एक बार सीधा बुनना है, एक फंदा उल्टा, लास्ट में दो फंदा आएगा तो एक फंदा सीधा और लास्ट फंदा उल्टा।
11th रो और फ्रंट साइड। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए दो का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए। फिर उन दूसरी ओर है अगला, देखिए ये हमने एक से एक जाली से दो फंदा बनाया था, इन दोनों फंदों को हम उनको दूसरी तरफ रखे हुए ही इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। फिर उन अपनी तरफ ही रहेगा, अगला दो फंदा हम एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, और एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब उन दूसरी तरफ है, और ये देखिए हम जाली में हमने एक से दो किया था, तो इन दोनों को हम उल्टा बुन लेंगे उनको दूसरी तरफ रखे हुए ही, तो दो फंदे उल्टे। फिर उन अपनी तरफ है और दो फंदे को एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे सीधा बनाते हुए। नेक्स्ट दो फंदे एक साथ लेंगे और इन्हें हम दो का एक कर लेंगे। यहाँ पे हमने दो का एक किया यानी एक फंदा इधर घटा, और यहाँ दो का एक किया तो एक फंदा इधर घटा। देखिए इसके पहले हमने ये जाली बनाया था, यानी यहाँ पे हमने इसी लाइन में ही हम बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पे दो का एक किया, एक फंदा घट गया, तो हम उन दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे और इन दोनों फंदों को उल्टा बुनेंगे, तो ये जाली बन गया यानी यहीं पे फंदा बैलेंस हो गया। फिर इन दोनों को हमें एक करना है तो उन अपनी ओर रखेंगे और दोनों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बनाएंगे। दो का एक किया और उसके पहले उन अपनी ओर है यानी जाली देते हुए दो का एक, यहीं पे उन फंदे बैलेंस हो गया। लास्ट फंदा इसे हम सीधा बना लेंगे। रॉन्ग साइड से पहला फंदा एज स्टिच है, इसे हम स्लिप कर लेंगे। नेक्स्ट फंदा उल्टा। फिर देखिए ये जाली वाला फंदा है, इसे हम सीधा बनाएंगे, तो चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार। फिर दो फंदा उल्टा, एक दो। फिर चार फंदा सीधा, इस जाली को हम देखे सीधा बना रहे हैं, एक दो तीन और चार। फिर दो फंदा उल्टा, एक दो। चार फंदा सीधा, एक दो तीन और चार। फिर दो फंदा उल्टा। 15th रो और फ्रंट साइड। दो फंदा सीधा, और चार फंदा उल्टा। फिर दो फंदा सीधा, यानी जो हमने यहाँ पहला लाइन शुरू किया था, दो फंदा सीधा, फिर चार फंदा उल्टा। दो फंदा सीधा और चार फंदा उल्टा। लास्ट में दो फंदा सीधा। रॉन्ग साइड से दो फंदा उल्टा, चार फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा और चार फंदा सीधा। 17वीं लाइन में फिर हम अपना तीसरा लाइन दोहराएंगे, यानी एक फंदा सीधा, फिर इन दो फंदों को एक साथ लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा, फिर इन दो फंदों को एक साथ लेंगे, बीच में एक जाली बनाएंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बनाएंगे। तो यानी हमारा तीसरा लाइन यहाँ पे फिर से दोहराएंगे। इस तरह हमारा 14 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। डिज़ाइन आपको स्पष्ट हो गया होगा, देखिए मैंने इसे यहाँ बनाया हुआ है।
सामने से ऐसा दिखाई दे रहा है और रॉन्ग साइड से ऐसा। बनने पर ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। आप इसे एक बार अपने स्वेटर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसा बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में अप्लाई करें। तो डिज़ाइन आपके सामने है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।